हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। ये हम कर रहे हैं मराठी इंग्लिश मीडियम की अक्षर भारती टेक्स्ट बुक 10th की, और हम यहाँ चैप्टर 2 अब डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली संतवाणी है, पार्ट 1 था, हमने देखा था तू बुद्धि दे प्रार्थना। अब स्टार्ट होता है नंबर 2 संतवाणी, और ये दो पार्ट्स में है, अ और आ, तो दो संतवाणी है। पहली है अंकिला मी दास तुसा, इसे लिखा है संत नामदेव ने। तो अंकिला का क्या मतलब होता है आपको समझना चाहिए। अंकिला का मतलब होता है वन हु हैज सरेंडर। अब ये वर्ड कैसे आता है वो भी थोड़ा समझेंगे। अंक अंक मतलब हम कहते हैं हमें तुम्हें कितने अंक मिले, मार्क्स मिले, जो हम अंक पूछते हैं, तो वो अंक मतलब मार्क्स। अंकित मतलब जो मार्क किया हुआ है ऐसे। तो अंकिला मतलब यहाँ पे वो मार्क किया हुआ है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो यहाँ पे संत नामदेव कहना चाहते हैं ईश्वर से। तो अंकिला मी दास तुझा, तो मैं तुम्हारा दास बन गया, मैंने अपने आप को तुमको समर्पित कर दिया। दास कहा जाता है जैसे सर्वेंट, जो हम सेवा करे, सेवक हो। तो अंकिला मी दास तुझा। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। लिखा है वारकारी संप्रदायातील थोर संत कवि संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। इसका क्या मतलब हुआ, वारकारी एक्चुअली वारकारी संप्रदाय है, तो वारकारी जो पंढरपुर पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं, तो वारकारी संप्रदाय संप्रदाय के ये थोर संत कवि थे। थोर मतलब महान, पहुंचे हुए संत कवि है ये संत नामदेव। तो उनकी अभंग है, उन्होंने जो अभंग रचना की है, रचना की मतलब बनाई है जो, तो अभंग बनाई है उसका एक ये अतिशय उत्कट। उत्कट का मतलब होता है काफी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। तो उनके अभंग रचना बहुत अतिशय मतलब बहुत, उत्कट मतलब पावरफुल स्ट्रॉन्ग, तो बहुत पावरफुल होके उस होती थी, लेकिन है, लेकिन यह अभंग इतनी पावरफुल होते हुए भी उसकी भाषा जो है वो सुबोध सरल सादी है, मतलब सीधी सादी है। भाषा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सीधी सादी भाषा में वो कहते हैं। त्यानी हिंदी थी रचना के लिए है, मतलब उन्होंने संत नामदेव ने हिंदी में भी लिखा है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भगवान भागवत धर्माची पटाका फड़कवली, मतलब पंजाब जाके उन्होंने भागवत धर्म, भागवत धर्म मतलब भगवत गीता का धर्म, मतलब जो हिंदू धर्म है, तो भागवत धर्म का पटाका उन्होंने उधर भी फैलाया है। तो ये पंजाब में भी गए थे, और सिख जैसे पंजाब में सिख होते, तो शिखांचिया गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी रिलीजियस बुक जो है सिख की वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख लोगों की गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में भी या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध है। मतलब सिख का जो गुरु ग्रंथ साहिब जो रिलीजियस बुक है उसमें ये ग्रंथ में 61 मतलब के 61 कवने, मतलब 61 ऐसी जो संतवाणी जैसे ये है कवने, उनकी संत नामदेव की उसमें है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव की कवने भी है, और वो उसको अलग नाम दिया गया है भक्त नामदेव जी की मुखबानी। तो ये नामदेव जी की मुख बानी, बानी मतलब जो बोला जाता है वाणी, तो मुख बानी मतलब उनके मुंह से जो बोला गया, तो वो सिख की रिलीजियस बुक में भी इनकी जो है अभंग है। प्रस्तुत अभंगा मध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। मतलब के इस अभंग में संत नामदेव ने विविध, विविध मतलब डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग दृष्टि, दृष्टि मतलब अलग अलग नजरिए से, दृष्टांतून तो अलग अलग दृष्टि से परमेश्वर को, ईश्वर को, ईश्वर की कृपा, हम पे ईश्वर की कृपा हो हमारे पे, नो जैसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड हैव मर्सी, तो कृपा हो हमारे पे, मर्सी हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले, उसकी याचना की है। याचना मतलब के रिक्वेस्ट, तो ये इस अभंग में है। तो अब देखते हैं अभंग क्या है। अंकिला मी दास तुझा स्टार्ट करते। अग्नि माजी पड़े बारू माता धावे कनवाड़ू, मतलब अग्नि मतलब फायर, तो फायर में पड़ता है जब बच्चा बाढ़, जब बच्चा फायर में गिर जाता है या बुझ जाता है, तो माता जो तो माँ है, धावे धावे का मतलब होता है भागती है, रन्स, तो माता धावे कनवाड़ू, कनवाड़ू मतलब दयालु। तो माता दिल ऐसा होता है कि जैसे वो देखती है अपना बच्चा आग की तरफ जा रहा है, जैसे ही वो, तो वो माता भाग के जाती है। तो ये एग्जाम्पल देके संत नामदेव कहते हैं तैसा धावे माझिया काजा, काजा मतलब काम, अंकिला मी दास तुझा।
मतलब कि जैसे माँ भाग के अपने बच्चे को आग से बचाती है, वैसे ही ईश्वर मेरे काम के लिए भी भाग के आई है। तैसा वैसा मतलब धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा, मैं आपका दास हूँ। फिर नेक्स्ट है सवेंची झेपावे पक्षिणी। सवेंची मतलब के ये नीचे भी इसका मीनिंग दिया हुआ है, लगेज। लगेज मतलब एकदम फट से, इंस्टेंटली। तो सवे का ना दूसरा वर्ड होता है, मराठी वर्ड है लगेज। और आपको ये याद रखना है कि मराठी में जो पोयम्स आती है, अगर पोयम पैसेज आएगा, पोयम का पार्ट, तो उसके अंदर 2 मार्क्स होते हैं वर्ड्स के लिए। आपको जो 4 वर्ड्स दिए होंगे पोयम में से, उसके मीनिंग्स आपको लिखने। तो इसलिए हर वर्ड का मीनिंग मराठी में आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कनवाड़ू, तो कनवाड़ू का था दयाड़ू, तो ये जरूरी है, ये याद रखना। काजा काम, सवे लगेज। तो हम इंग्लिश में उसके मतलब समझने के लिए तो कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जब पोयम आएगा तो इन सब में से 4 वर्ड्स के मीनिंग्स आपको लिखने के लिए आएंगे ही, तो ये जरूरी है। तो सवेच मतलब झट से, झेपावे, झेपना मतलब के एक छलांग मारना, लीप करना। तो सवेची झेपावे पक्षिणी, तो पक्षिणी जो मतलब माता पक्षिणी है, जो पक्षी पक्षिणी, इसका जेंडर है ये भी, लिंग। तो पक्षिणी जो है वो दौड़ के मतलब एकदम फट से जम मारती है, लीप मारती है, छलांग मारती है। कब? पिली पड़ा पड़तांची धड़नी, मतलब जब उसके पिली, पिली मतलब के पिल्ले, मतलब उसके जो बच्चे, जब वो धरनी मतलब धरती, ये भी समानार्थी शब्द हो गया, धरनी धरती। तो जब धरती पे उसके बच्चे गिरने वाले होते हैं, तब वो छलांग मार के एकदम एक लीप लेके पूरा वो उनको पकड़ने के लिए पहुंच जाती है नीचे। तो ये और एक एग्जाम्पल दिया माता के बारे में, पक्षिणी के बारे में। तीसरा है भुकेले वत्सरावे, मतलब भुकेले मतलब जो भूखे, वत्सरावे मतलब वत्सरा मतलब वासरू, वासरू है काफ को कहते हैं, गाय के बच्चे को। तो जब वो भुकेला वत्सराव, जब वो आवाज करता है तो उसको वत्सरावे कहा जा रहा है। तो वासरू आवाज कर रहा है मतलब। तो भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे, धेनु मतलब के गाय, जो दूध देने वाली गाय, मिल्चिंग का, तो उसको धेनु बोलते। तो धेनु हुंबरत, हुंबरत मतलब आवाज, ऐसे जो जोर से आवाज करते ना, एकदम एनिमल्स की आवाज जैसे आती है, तो हूं करके एकदम जाती है। तो धेनु हुंबरत धावे मतलब अगर वत्सराव भूखा है, वासरू भूखा है, तो गाय धेनु ना आवाज करते हुए उसके पास धावेगी, मतलब फिर से वही भागेगी, धावे, हुंबरत धावे। तो उसको भूख लगती है तो उसको दूध पिलाने के लिए जाएगी गाय। ऐसे वणवा लागला से वनी, मतलब के वणवा मतलब वन, मतलब जैसे हम समझते हैं वन मतलब जंगल, वणवा मतलब होता है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। जब फॉरेस्ट फायर लग जाती है, लागला से वनी, वन में जंगल में जब फॉरेस्ट फायर लग जाता है, पाड़स चिंतित हरणी, मतलब हिरन की जो माँ है, फीमेल हिरन, हरणी कहा जा रहा है उसको, तो हरणी चिंता करके चिंतित हो जाती है, किसके लिए? पाड़स के लिए। पाड़स का मतलब होता है हिरन का बच्चा, हणी, हणी नीचे पिल्लू। तो जब आग लग जाती है जंगल में, तो हरणी भी चिंता करने लगती है अपने बच्चे की, पाड़स की। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए, एक माता का, एक पक्षिणी का, एक गाय का, धेनु का, और ये हरणी का। तो ये 4 एग्जाम्पल्स देके, जैसे वो अपने बच्चों के लिए भागती है, वैसे नामा महणे, मतलब नामा मतलब संत नामदेव, तो संत नामदेव कहते नामा महणे। और एक एग्जाम्पल आया मेघा जैसा, मेघा मतलब कि क्लाउड्स, बरसो रे मेघा जैसे गाना भी, तो मेघा मतलब क्लाउड्स। तो नामा महणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा, मतलब नामा कैसे, संत नामदेव कैसे कह रहे हैं, कैसे ईश्वर से ये रिक्वेस्ट कर रहे, याचना कर रहे, जैसे चातक। चातक क्या होता है? चातक एक इमेजिनरी बर्ड है, जो कहा जाता है जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है, वो उस पे ही रहता है, बारिश के पानी पे। तो चातक जैसे विनंती करता है, विनवितो मतलब कि विनंती करता है, रिक्वेस्ट करता है, किसको? मेघा को। मेघा मतलब क्लाउड्स को, जैसे वो क्लाउड्स के लिए रिक्वेस्ट करते रहता है, वैसे ही नामा जो है वो ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। नामा महणे मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा तैसा, तो वैसे वो कह रहे। तो ये आपकी ये संतवाणी जो है अंकिला में दास तुझा कंप्लीट होती है। और यहाँ पे पीछे फिर क्वेश्चंस है, इसके मीनिंग्स है, मीनिंग्स हम देख ले। कनवाड़ू हमने देखा, दयाड़ू, काजा काम, अंकिला अंकित झालेले, सवे लगेज,
वत्सरावे मतलब वासराच्या आवाज, वासरू जो होता है उसका आवाज, वासराच्या आवाजन। और पाड़स हणिनी च पिल्लू। तो होपफुली ये शब्दार्थ आपके लिए इजी हो गया होगा और आप ये याद कर ले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते कृति पे जो एक्सरसाइज है पीछे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला है, पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडता तेलिया। मतलब ये जो चीजें, कृति मतलब काम, टास्क, चीजें, तो ये जो चीज काम हो रहा है, ये होती है जो इवेंट हो रहा है, ये कब होता है, केवा मतलब कब, घड़ता मतलब कब हो रहा है, ये कब ये हुआ। तो पाठ के हिसाब से मतलब जो लिखा हुआ है पोयम में, संतवाणी में, उसके हिसाब से ये लिखी। तो अ है माता धावून जाते, मतलब माता भाग के जाती है। तो माता धावून कब जाती है, जब बच्चा आग में गिरने वाला होता है, तो जेवा बाढ़ आगीत पड़ते। आ है पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते, मतलब पृथ्वी की तरफ पक्षिणी छलांग मार के जाती है, कब, जेवा पक्षिणी चे पिल्लू खाली पड़ता है ना। तीसरा है गाय हंबरत धावते, मतलब गाय भाग के जाती है। अब गाय कब भाग के जाती है, जेवा वासराला भूख लगते है ना। चौथा है हरिणी चिंतित होते, तो हरिणी कब चिंतित होती है, जेवा पाड़स वनवा मध्य सापड़ते, मतलब जेवा पाड़स मतलब के हिरन का बच्चा, हमने देखा हरिणी नीचे पिल्लू, वनवा मतलब के फॉरेस्ट फायर, वन में लगी हुई आग, तो जब उसको उसका बच्चा फॉरेस्ट फायर में उसको ढूंढना होता है, तब वो चिंतित होके उसको ढूंढती है, तो हरिणी चिंतित होते। आकृति पूर्ण करा, कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द, मतलब माता कैसी है, उनका वर्णन मतलब उनका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करने वाला शब्द क्या है। तो माता कैसी थी, कनवाड़ू है ना। और दूसरा है हरिणी, हरिणी कैसी थी, चिंतित। तो ये एडजेक्टिव्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो ये वर्णन करना जो शब्द हमको यहाँ लिखने। फिर तीसरा है कौन तेलिहा, परमेश्वराचे दास, परमेश्वर के दास कौन है, संत नामदेव है ना, परमेश्वराचे दास। आ है मेघाला विनवणी करना, मतलब जो मेघ को बादल को विनंती करता हुआ कौन है, वो बर्ड है, चातक। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये आपके यहाँ पे हो गए। बाद में आता है काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के चार चार सवाल है और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी। तो आप बार बार पोएम को पढ़ोगे और इसके क्वेश्चंस याद करोगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। आपको अगर इसमें हेल्प चाहिए तो हम इसके लिए अलग वीडियो भी बना सकते हैं। क्वेश्चंस हम देख लेंगे। पहला है अ खालील ओढ़ींची रसग्रहण करा, पहला है सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली पड़तांची धरणी भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। तो ये जो लाइन्स है इसका रस ग्रहण करना है, मतलब इसको एक्सप्लेन करके इसका लिखना है। आ है आई प्राणी पक्षी यांच्या मात्र प्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दांत लिखा। तो जैसे पोयम में ये संतवाणी में आई माता के बारे में, प्राणी जो है जैसे हिरण के बारे में है, गाय धेनु के बारे में है, पक्षी जैसे यहाँ पे हमने पक्षिणी का देखा, तो इनका जो मात्र प्रेम का यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो अपने शब्दों में आप लिखिए, ये सवाल है। ई है संत नामदेवानी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरण शब्द स्पष्ट करा, मतलब उदाहरण के साथ आप इसे स्पष्ट करिए कि क्या कैसे उन्होंने विनंती की। तो जो उदाहरण उन्होंने दिए उससे आप ये डिटेल में लिख सकते हैं, पूरा जनरल क्वेश्चन है पूरे पोएम पे। ई है पक्षियाच्या प्राण्याच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा, मतलब जो पक्षी प्राणी जो होते हैं उनके अपने बच्चों के लिए जो संबंध होता है उनका, कैसे उनका उस उन पे फिक्र होती है, उनका ध्यान रखते हैं वो, जैसे कैसे उनको बचाते हैं, तो ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ, तो उसके बारे में अपने अनुभव के बारे में आप लिखो। तो ये ओपन क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स है ये। तो ये चार सवाल है काव्य सौंदर्य के। तो यहाँ पे आपकी ये संतवाणी अंकिलामी दास्तुजा खत्म होती है। नेक्स्ट है योगी सर्वकार सुखदाता, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।